गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप लोग सब कोई ठीक हो। वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज एक नया दिन, एक नया सुबह हम शुरुआत कर रहे हैं। दिवाली खत्म हो गया, मामा जी चले गए, दुर्गा पूजा खत्म, लक्ष्मी पूजा खत्म, बेटी बड़ी हो गई, तो अब नया वीडियो एज आवर नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल डे जैसे हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुतु किच बोलबा, किच बोलबा, यू वांट टू से एनीथिंग, से एनीथिंग इफ यू वांट टू से एनीथिंग। देखिए, सुबह उठ के इस कोने में आके वो देखती है अपने आप को और देख देख के हंसती है। बात करेगी अकेले अकेले, उसके बाद में आएगी मुझे उठाने के लिए। बोलो, कम हियर कम हियर कम हियर। अशो 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 अशो, ठंड में मेरी बेटी का हाल देखिए, पूरा पैकिंग होके। अभी नेक्स्ट वीक को हमारा ट्रैवलिंग है, जो आपको बताया था हम कहीं पे जा रहे हैं, तो सब बताएंगे आपको। इसीलिए इसको पूरा संभाल के रख रहे हैं ताकि ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठंड वंड ना लगे। चलो लेट्स गो। तो आज हमारा नॉर्मल रूटीन, जो हमारा नॉर्मल रूटीन रहता है, वही खाना खाओ, खाना वाना खिलाओ, नहाओ, तो वो सब भी चलेगा जो हम डेली करते हैं। पहले भगवान को प्रणाम, भगवान से ब्लेसिंग, उसके बाद फिर दिन का शुरुआत। चलो, दुग्गा दुग्गति नाशिनी सिद्धि दाता गणेश गणेश नमो नमः। तो इन नॉर्मल डेज हम सुतु को लेते हैं, और आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में, उठ के साफ करके उसके बाद में उसको अपने बेड में उसको डालते थे। बट अभी मामला, सीन अभी डिफरेंट है। तो नॉर्मल डेज में हम लोग सुतु को यहाँ से गोदी में लेते हैं, गोदी में लेके उसको चेंज वेंज करा के उसके बाद में उसके बेड में डालते हैं। बट अभी तो मैडम जी चलने शुरुआत कर दिए, तो इस तरह से छोड़ देते हैं, और इस तरह से वो घूमते घूमते अपना पॉटी जो भी है सब कुछ करके उसके बाद वो रेडी हो जाती है। तो अभी तक किया नहीं है, इसीलिए घूम रही है। आज बहुत दिन बाद में हम नॉर्मल वीलॉग कर रहे हैं, जो डेली वीलॉग्स हम करते थे, तो बहुत वियर्ड लग रहा है आज, क्योंकि पूरा अकेले हैं मैं और शुतु, क्योंकि अभी सब कोई चले गए, अभी सब अपने अपने ड्यूटी में अभी है। मामा जी चले गए उड़ीसा अपने ड्यूटी में, शुतु की मम्मी भी स्कूल चली गई है, तो लीव्स अस विथ टू पीपल, मी एंड माई डॉटर। तो बस अब हम दोनों ही हैं, दो भटकती आत्मा घूमेंगे। एज यूजुअल टाइम है 11 बजे, और अभी मैं पानी पीऊँगा, और पानी पी के उसके बाद में शुतु को तेल मालिश करा के, उसको नहा के फिर उसको खाना दूंगा। और एक चीज़ गाइस, जो मैंने डिस्कवर किया है, और मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस में देखा है, डॉक्टर से भी मैंने बात किया है। अब बच्चों को पहले मत नहलाओ, अब बच्चों को पहले मत खिलाओ, अब बच्चों को पहले नहलाओ। तो ये रूटीन जो है, मैंने कहीं पे देख के मैंने चेंज नहीं किया था। पहले मैं शुतु को खिलाता था, खिला के उसके बाद में मैं उसको नहलाता था। तो ये बाय एक्सीडेंट मैंने अपना ये टाइम चेंज किया था, क्योंकि सुबह सुबह शुतु को टाइम ज़्यादा मिले और हमारा काम जल्दी ख़त्म हो, एफिशिएंसी हो टाइम में, हम मैनेज ज़्यादा कर पाए। तो उसके लिए शुतु को पहले मैंने, आप अगर मेरे पुराने वीडियो अगर देखे होगे आपने, उसके बाद में आपने देखा होगा कि मैंने चेंज किया था कि खाना पहले, नहाना पहले उसके बाद खाना। तो वही ये चीज़ जो है, ये एक्सीडेंटली जो मैंने किया, बट इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर बेबीज़ गट, क्योंकि आप पहले जब खिलाते हो और उसके बाद नहलाते हो, तो क्या होता है, हमारा बॉडी क्या होता है, डाइजेस्ट करता है फूड को, और फूड को डाइजेस्ट कर नहीं पाता क्योंकि बॉडी ठंडा हो जाता है। और बच्चों के केस में ज़्यादा, क्योंकि उनका शरीर ही होता है छोटा सा। तो पहले आपको खाना, मतलब नहाना चाहिए, और नहाने के बाद में आपको ज़्यादा भूख भी लगती है और डाइजेशन भी आपका अच्छा होता है। तो ये मैं गलती कर रहा था,
बट गलती से मैंने इसको सुधार भी दिया। तो जस्ट आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन मतलब मैं रख रहा हूँ कि आप भी अगर बच्चों को अगर पहले नहलाते हो फिर खिलाते हो, स्टॉप दैट, इट्स नॉट गुड फॉर देयर डाइजेशन। सो पहले आप नहलाओ अच्छे से, उसके बाद में जम के उसको खाना वाना खिलाओ। थोड़ा जल्दी करना है तो जल्दी कर लो, बट ये रूटीन बच्चों का गट के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए आइंस्टाइन का नहाना हो गया, आइंस्टाइन का बाल देखिए, आइंस्टाइन का नहाना खत्म, अब उसका खाना, पहले मैं नहा के आऊंगा। हेलो आइंस्टाइन तो मेरा भी नहाना हो गया और सायरन बज गया है, भूख लगा है, तो अभी खाना वाना खिलाएंगे और उसके बाद मैं भी कुछ खाऊंगा। तो अभी उसको उसका होममेड सेरेलैक्स जो है वो खिलाते हैं। ये देखिए कोई बंद इसको डांट रही है मेरे को क्योंकि मैंने बंद कर दिया है इसको, यहाँ पे खोलने के लिए बोल रही है इसको भी, और एक दिन पूरा गुहार लगा रही है, खोलो खोलो। लुक एट द लव, लुक एट स्कूबी। तो अभी हम खाएंगे खाना, बजा है अभी 2 और कोई कोई आज सो ही नहीं रहा है, इधर से उधर इधर से उधर, लेकिन सो नहीं रहा है। हाँ तो अभी खाना खाएंगे, खाना वाना खा के ट्राई करता हूँ सुलाने के लिए, सो तो नहीं रही है। तो आज है 7th डे मेरे कंजंक्टिवाइटिस का, और अभी तो आँख तो बहुत ही अच्छा हो गया, और अभी मतलब हम ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे डर था, अपने आप को आइसोलेट कर लिया था इस रूम पे, तो वो सब कुछ अभी ठीक हो गया है।
और बीवी बच्चे सबके साथ में अभी हम लोग एक ही बिस्तर में हम लोग सो रहे हैं अभी। तो बस अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ये आई ड्रॉप है जो मुझे देना पड़ता है तो वही देता हूँ अभी। ये अभी पहले देता था 4 ड्रॉप्स करके, तो एवरी 3 3 डेज में ये कमते रहता है एक एक ड्रॉप। तो अभी ये थर्ड बैच मतलब थर्ड सेट में अभी जा रहा है, तो 3 डेज मैंने 2 बार कंप्लीट कर लिया। दिस इज द थर्ड सेट ऑफ 3 डेज, तो अभी 3 ड्रॉप्स हो गया ये, कहाँ 5 ड्रॉप्स था, तो देता हूँ अभी ये। थोड़ा सा जलता है, पहले और ज़्यादा जलता था, अभी जलन और ज़्यादा हो गया है। ये वाले आँख में हुआ था, तो ये वाले आँख का तो मतलब क्या बोलूँ, कोई फीलिंग्स ही नहीं था कि ड्रॉप जा रहा है या क्या जा रहा है, लेकिन अभी अभी ठीक है, अभी अभी जलता है, अभी इतना नहीं जलता, थोड़ा थोड़ा जलता है, बट इसमें फीलिंग्स अभी आया है, इसमें पहले फीलिंग्स ही नहीं था और ये फूल के पूरा सूज गया था पूरा। तो अभी ठीक है, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो खाना वाना सब कुछ हम लोग का रात को हो गया, एक बार में रात को वीडियो कर रहे हैं क्योंकि दिखाने के लिए कुछ था नहीं, सेम ऑल रूटीन था और दिखाने के लिए सिर्फ यही है। देखिए, और स्कूबी और शुतुर का पूरा प्यार वाला मोहब्बत ऊपर मोहब्बत वाला एक वीडियो है, वो भी दिखाएंगे आपको। दोनों में फुल मोहब्बत चल रहा है और ये शुतुर का होममेड सेरेलैक्स ख़त्म हो गया है जो कि पूरा हिट है, तो इसको थोड़ा अंदर घुसा के रखना पड़ेगा क्योंकि मेरी बेटी का हाथ कानून से भी लंबे हैं। बेटी का हाथ कानून से भी लंबे। अच्छा लाइन, तो ये रेडी है और ये कल आज पूरा सोख होगा, उसके बाद में कल इसको एज यूजुअल धो के सुखाना, आई मीन धो के नहीं, पानी को फेंक के फिर सुखाना, धोना तो हो गया, और उसके बाद इसको सुखा के फिर ऐसे हम इसको ग्राइंड करके पाउडर बनाते हैं, वही बनाएंगे और मैडम जी को खिलाएंगे। तो नेक्स्ट वीक हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, आपको बता रहे हैं बहुत पहले से, तो अभी वही हम नेक्स्ट वीक को हमको एक मैरिज अटेंड करना है, तो बोल दे रहे हैं आप लोग को मैरिज अटेंड करना है हम लोग को, तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीक को हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको जाने के टाइम ही बताएंगे, बट हाँ नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, बहुत ही ठंड है वो जगह में अभी के टाइम पे। यहाँ पे सुबह सुबह 6 बजे को हमको निकलना पड़ेगा, 9 बजे का हमारा फ्लाइट है, तो वही है। और मम्मी और स्कूबी यहीं पे रहेगी क्योंकि मम्मी को ट्रैवलिंग इतना होता नहीं है, और स्कूबी को डे केयर में रखना पड़ेगा, तो डे केयर में इस बार मम्मी नहीं जा रही है, तो इसीलिए स्कूबी को डे केयर में नहीं रख रहे, घर में रख रहे हैं, और हम तीनों सिर्फ जा रहे हैं, मैं शुतु और शुतु की मम्मा। ये टिकट बहुत पहले से बुक करके रखा था जब शुतु नहीं हुई थी, उसके बाद में फिर कॉल करके हमको शुतु को ऐड करना पड़ा, एंड दैट वाज लाइक सच ए स्वीट मोमेंट। तो शुतु का भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट में अभी होगा, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में, पता नहीं कितना लोगों को वो करेगी, चिल्ला चिल्ला के हूँ हाँ करेगी। हाँ अनु कुछ बोलना चाहती है। बच्चे को किस तरह से ट्रैवल कराना है फ्लाइट में हमें प्लीज कमेंट करके बोलिए, क्योंकि पहली बार हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एट एंड हाफ मंथ बेबी को लेके। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को, अगर आपका कोई सजेशन है वाइल्ड ट्रैवलिंग वाया फ्लाइट, फ्लाइट तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा हमें, ताकि हम उसी तरह से रेडी होके जा सकें। बस उतना। और कौन बोलेगा, ये 8.5 मंथ बेबी है, देखिए क्या मस्त चल रही है। ये है पापा का एक्सरसाइज का नतीजा, पापा ने बचपन से टमी टाइम पूरा एक्सरसाइज करवाया। और इधर देखिए मेरे बीवी को स्वेटर लगाया है, बेचारी बेचारी को स्वेटर खरीद के देना पड़ेगा। ये देखिए सेफ्टी पिन लगा के, गाइस कुछ तो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ताकि कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि नया स्वेटर खरीद सके। ताकि
मम्मी को भी पूछते माँ एदिके देखो किछु कोई बा हमको यूट्यूबर समाज रे यूट्यूब सोसाइटी रे हिंदी में हिंदी में बोलिए हिंदी में यही बोल रहा है क्या आप लोग भी ये देखकर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए हाँ हमारा वो ग्रैंड डॉटर है जो उसको देखिए देखे थोड़ा आप लोग भी आनंद लीजिए और कुछ उल्टा सीधा है तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए ठीक है गाइस समझ में आ गया आपको मतलब वीडियो का अभी एंड है और हम अभी गुड बाय गुड नाइट तो यही है मम्मी सारा बर्तन अभी डिश वॉशर में डाल रही है और यहाँ देखिए बेटी इधर कहाँ चली गई है देखिए देखिए कहाँ चली गई है ये लड़की पूरा पैर में पूरे यहाँ पे पूरा पानी पानी है कहाँ चली गई है रे ये चलो 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 बेटी पाद रही है पाद पत के चल रही है शेम शेम चलिए गाइस वीडियो को चलिए गाइस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं कल फिर एक नया वीडियो एक नया दिन लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जल्द से जल्द हमारे चैनल भी और ग्रो करे थैंक यू सो मच प्लीज ब्लेस माय डॉटर एंड अस आल्सो थैंक यू बाय गुड नाइट प्रीति हमारा आपने सुन लिया होगा तो वही है हमारा डिमांड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग इफ यू आर व्यूइंग टिल हियर टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं गुड नाइट शबा खैर और क्या बोलते हैं और कौन कौन लैंग्वेज है शुभ रात्रि खुदा हाफिज खुदा हाफिज बोलते हैं शबा खैर बोलते हैं शायद बस और लैंग्वेज पता नहीं है थैंक यू बाय